गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ माई चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं प्लान कर रहा था, यहाँ पे एक नया एक पार्क खुला है तो वहाँ पे जाएंगे सोचा। एकदम मतलब नया ही है तो मैंने सर्च भी किया था तो दिखा रहा था ओपन है आज। तो आज जाएंगे, आपको दिखाएंगे वहाँ का। अभी थोड़ी देर बाद ही निकलेंगे। एक्चुअली आज मॉर्निंग वीडियो नहीं बनाया, आज आपको बस वही पार्क का ही पूरा वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद जहाँ जाते दिखाएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में। तो अभी मैं निकल रहा हूँ और आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छे से दिखाएंगे वो जगह नया खुला है। तो हम अभी आ गए थे ऑक्सीजन पार्क, लेकिन हमारा मतलब जहाँ भी जा रहे हैं ना बेड लग ही निकल रहा है। कहीं भी जा रहे हैं बेड लग ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। ये अभी इनॉग्रेट ही नहीं हुआ है, मतलब मैंने सर्च किया था गूगल मैप पे, वहाँ पे दिखा रहा था ओपन है, लेकिन यहाँ पे आए तो पता चला कि अभी 10 तारीख को ही इनॉग्रेट होगा, उसके बाद रनिंग होगा। तो 10 तारीख के बाद किसी दिन फिर से आएंगे, लेकिन आज तो आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन बाहर से ही जितना हो सके आपको दिखाएंगे। बाहर से तो अच्छा ही लगता है, डिज़ाइन वगैरह देख सकते इधर, मतलब बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे सजा के रखा है। और मैं आपको बाहर से थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगा और बाहर से ही फोटोशूट करेंगे और क्या। लेकिन फिर से आएंगे और एक दिन आएंगे, अच्छे से अंदर का व्यू दिखाएंगे। और अभी तो अंदर जाने नहीं दे रहे, गेट खुला हुआ है फिर भी नहीं जा पा रहे, तो क्या कर सकते अभी। फिर अभी चलते हैं दूसरी कहीं जगह पर बैठेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। इधर से जाते हैं गांधीग्राम, इधर का रोड भी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये रोड। और इधर से अगरतला सिटी जाते हैं और ऊपर तो पूरा मतलब पेड़ ही पेड़ है। इस पार्क का नाम भी है ऑक्सीजन पार्क, तो यहाँ से एंट्री था इसका। अभी तो हम लोग अंदर जा नहीं सकते, तो इतना ही दिखा पाएंगे अभी, तो फिर अभी निकल जाएंगे और क्या। चलते हैं सिटी के साइड, कुछ बैठने की जगह मिलती है तो वहाँ पर बैठेंगे। तो वहाँ पे तो हुआ नहीं, हमने मतलब वहाँ पे बात किया था तो वहाँ पे तो जाने दिया नहीं ऑक्सीजन पार्क में। लेकिन यहाँ पे आए जब टाउन पे जा रहे थे तो यहाँ पे साइड पे एक पार्क टाइप बनाया हुआ है, तो सोचा कि यहीं पे टहल के जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, मतलब जगह तो अच्छी है। ये जो दिख रहा है आपको ये SKM स्कूल है, और इधर ही सामने ही आपका जिंजर होटल है, तो दोनों के बीच में ये पार्क टाइप बनाया हुआ है और खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। शाम में आप इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं, मतलब जगह अच्छा है, तालाब भी अच्छा है, अभी शाम का टाइम है आप देख भी सकते हैं। तो अभी थोड़ा टहलेंगे, इवनिंग वॉक थोड़ा करेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। तो थोड़ा फॉग टाइप दिख रहा है, इसलिए सोच रहे थे थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, तो वो सिटी में जा गया यहाँ पे नहीं। तो अभी फिर थोड़ा टहल के फिर चलेंगे। और इधर वाला जो मैंने बताया था ये जिंजर होटल है। हम लोग आए हैं यहाँ पे मणिकांता हैदराबादी बिरयानी हाउस, और ये है आपका सिटी सेंटर में, सिटी सेंटर के नीचे ग्राउंड फ्लोर में है वो, और जो डोमिनोज है ना उसके पास ही भी है। तो आज से थोड़ा घूमने के लिए निकले थे तो सोचे कि यहाँ से हैदराबादी बिरयानी टेस्ट करते हैं। और हैदराबादी बिरयानी तो अगरतला में मिलता है नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हैदराबादी बिरयानी। और मैंने उनसे बात भी किया था, वो बोल रहे थे कि वो मतलब हैदराबाद से ही है, इस रेस्टोरेंट का ओनर हैदराबाद से ही है, तो
होप ये अच्छा ही होगा और टेस्ट करके देखते हैं, टेस्ट करने के बाद आपको रिव्यू देते हैं कैसा है। और आप, मैं आपको मेन्यू थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये है इनका मेन्यू, मणिकंता हैदराबादी बिरयानी हाउस, ऑथेंटिक हैदराबादी बिरयानी। और सारे प्राइस यहाँ पे मैं आपको एक बार शो कर रहा हूँ, आप खुद से ही देख लीजिए। तो फाइनली आ गया है हैदराबादी बिरयानी और टेस्ट करेंगे अभी, टेस्ट करके बताते हैं। मैं ऐसे ही थोड़ा टेस्ट करता हूँ। अच्छा तो है, वैसे भी बिरयानी मेरा फेवरेट है। और साथ में बिरयानी के साथ में यहाँ पे रायता दिया है, प्याज दिया है और एक ग्रेवी टाइप दिया है बस। और यहाँ पे अंडा तो अलग से देता है। और यहाँ पे अभी क्वांटिटी आपका दो लोगों के लिए बढ़िया है, दो लोगों के लिए ना पे। और ये अच्छा, ये एक हाफ है, फुल नहीं है, ठीक है। अभी खाना खाते हैं, बहुत भूख भी लगी है, तो पहले जल्दी जल्दी खाते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं सारे रिव्यूज़। प्राइस तो था 185 और दो लोगों के लिए एनफ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही है दो लोगों के लिए मेरे हिसाब से। 185 में इतना अच्छा भी दे रहा है और टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, मतलब मैंने जितना भी बिरयानी खाया है इससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। पता नहीं, मैंने हैदराबादी बिरयानी कभी टेस्ट नहीं किया है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। मैं कभी हैदराबाद जाऊँगा तभी पता चलेगा एक्चुअली हैदराबादी बिरयानी कैसा होता है, मतलब यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक हैदराबादी बिरयानी ऐसा ही है। तो शाम को वहाँ से घूम के आते आते थोड़ा लेट हो गया था, लगभग 8-8:30 बजे के आसपास में आया था घर। और अभी आके थोड़ा मेरा मतलब पढ़ाई था वो कर लिया कंप्लीट, और अभी सोच रहे थे कि मतलब सभी मिलके खाना वाना खा लिया। और शानू आज भी सो गया है, अभी वीडियो एडिटिंग थोड़ा बाकी है, वो कंप्लीट कर लेंगे और वीडियो को अपलोड पर बिठा देंगे। तो होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा बैड लक है आप लोगों को, जहाँ भी जा रहा हूँ कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो कोई नहीं, नेक्स्ट जाएंगे तो अच्छे से दिखाएंगे। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Pas de soleil, pas de soleil.